दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू बैंक। व्हाट इज ए न्यू बैंक, आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट होता है ये रेगुलर बैंक जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ये जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक हैं। तो ये जो न्यू बैंक है, नया कॉन्सेप्ट, वो कैसे इन सबसे डिफरेंट है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो नियो बैंक क्या होता है, एक काइंड का डिजिटल बैंक होता है, लेकिन इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती जैसे स्पेसिफिक लोकेशन पे। जैसे आपने देखा होगा कि SBI की, ICICI बैंक की कोई ब्रांचेज होती हैं, वहां पे आप जाके अकाउंट ओपन कराते हैं। नहीं, यहाँ पे फुल्ली ऑनलाइन होता है, फुल्ली डिजिटल होता है। ये न्यू बैंक्स होते हैं इंटायरली ऑनलाइन होते हैं। ये एक फाइनेंशियल सर्विस आते हैं, इसमें बहुत सारे सर्विस आते हैं, हम इनको फिनटेक कंपनी भी बोल सकते हैं, बट फिनटेक कंपनी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, मनी लेंडिंग। बट ये न्यू बैंक जो होते हैं वो सब ये सारे जो है प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफर, और वो क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो इसमें देखिए और भी पॉइंट्स हैं। अब न्यू बैंक का कॉन्सेप्ट आ रहा है और इंडिया में भी काफी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसका दिख रहा है। देखिए अभी COVID-19 पैंडेमिक के बाद अब डिजिटल एक्सेप्टिंग की तरफ कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा मतलब उन झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए फिजिकल बैंक्स अगर होंगे तो वहाँ पे जाना पड़ेगा ये सब प्रोसेस, और अभी आप देखें कि हाँ जिस तरीके से लॉकडाउन है सब चीज़ें हुई, तो लोगों को अपना वॉलेट इन सब चीज़ों पर ज़्यादा यूज करने लगे हैं। तो नियो बैंक हम कह सकते हैं एक प्रकार का स्मार्ट बैंक होता है। ये इस तरीके का डिजिटली ओनली बैंक्स होते हैं। जैसे आप ये देखते होंगे, इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे इंस्टेंट पे, रेजर पे एक्स, नियो और योनो बाई SBI। मतलब देखिए अभी हम इस पे समझेंगे कि योनो बाई SBI SBI का ही तो है, कैसे ये डिफरेंट हुआ, तो हम भी इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनली और उसमें कैसे डिफरेंट आ रहा है कि SBI ही तो है उसका, SBI का ही योनो है, तो योनो कैसे एक नियो बैंक हुआ। देखिए न्यू बैंक जो होता है एक वर्चुअल बैंक होता है कम्प्लीटली, जिसकी फिजिकल ब्रांचेज होती नहीं। बट एक क्या होता है, अगर RBI की जो हमारे इंडिया में गाइडलाइंस हैं, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से इंडिया में कोई भी बैंक होगा उसका फिजिकल बैंक होना ही चाहिए, तो न्यू बैंक और का कोई फिजिकल ब्रांचेज तो होती नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर इंडिया में कोई न्यू बैंक अगर ओपन करना है तो आपको किसी ना किसी बैंक से टाई अप करना पड़ेगा, लाइक SBI, ICICI बैंक। तो उससे जो है जैसे इंस्टा पे जो है जैसे ICICI से कनेक्ट है, टाई अप है, तो वो ऐसे सर्विस दे सकते हैं। ऐसे कोई फ्री इंडिपेंडेंटली मतलब नहीं कर सकता कोई न्यू बैंक ओपन करे और कोई फिजिकल ब्रांचेज ना हो, तो क्योंकि RBI के गाइडलाइंस के अंदर आना है तो RBI ही इशू करेगा लाइसेंस। तो अगर लाइसेंस आपको चाहिए तो किसी ना किसी ट्रेडिशनल के साथ टाई अप करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, ये जो है इसके बीच में कन्फ्यूजन कि योनो जो SBI के साथ ऐसे ऐड करके, तो SBI का एक टाइप का न्यू बैंक है योनो। तो अब राउंड द चेक क्लॉक अगर असिस्टेंस की बात करें तो देखिए इसमें सर्विसेज जो होती हैं काफ़ी अच्छी, इनकी सर्विसेज होती हैं। अगर आप देखिए न्यू बैंक जो होते हैं राउंड क्लॉक ये दिखाते हैं, इनका 365 डेज जो होता है इनका सर्विसेज होते हैं, और बहुत सारे फायदे होते हैं इनमें, जैसे क्योंकि ऑल ऑनलाइन होते हैं तो एक्सपेंसिज जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, एक्सपेंसिज जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं इससे। तो जो बैंक चलाने का जो पूरा बैंक चलाने का जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें जैसे देखिए आप चैट बॉट्स, रोबो एडवाइजर, इन सब की यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इनके सारे हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इन सब चीज़ों को वो कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। जो ये बैंक्स होते हैं ना, ये मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर भी रहते हैं। देखिए और बैंक से क्या मतलब डिफरेंट है, हम ये बात समझ लेते हैं कि न्यू बैंक में अगर कोई किसी बैंक का अकाउंट ओपन करवाता है, और जैसे ट्रेडिशनल बैंक SBI, ICICI बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाता है तो उसको क्या डिफरेंट ज़्यादा फीचर्स क्या मिलेंगे। देखिए अकाउंट्स तो दोनों में ओपन हो गए, वो इसमें क्या है न्यू बैंक्स पूरा डिजिटली होगा। और एडिशनली अगर फीचर्स की बात करें, देखो पर्सनल फाइनेंस, जैसे आप अगर एक न्यू बैंक का अकाउंट आप ओपन कर लेते हो तो आपके पास दो तीन अकाउंट हैं डिफरेंट बैंक के, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो आप उन अकाउंट को एक न्यू बैंक से ऐड कर सकते हो। तो इसमें वो पर्सनल फाइनेंस की भी सर्विसेज आपको देते हैं। जैसे पर्सनल फाइनेंस का मीन्स आप समझ सकते हो कि आपके अकाउंट्स जो हैं इनके कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप किसी CEO को है, आपके पास CA है, आप उससे अकाउंट्स को अपना पूरा मैनेज करवाते हो। इसमें एक फीचर अच्छा ऐड कर रखा है, हम इसको खुद यूज करने वाले हैं। ऐसा होता है इसमें कि वो तुम्हारे जो पूरे आपका पूरा जो CA का काम कर रहा है, वो पर्सनल फाइनेंस आपका पूरा हिस्ट्री, पूरा ट्रांजेक्शन आपका मैनेज मैनेज करके रख रहा है, वो सारा न्यू बैंक आपका कर देगा।
आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको लेने हैं तो आप डायरेक्ट वहां से, आपको क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट करना है, आप एक वर्चुअल नंबर है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अब इसमें आप क्रेडिट कार्ड भी इजीली आप तरीके से आप ले सकते हो। इसमें क्या है कि जैसे और भी आप बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर बहुत सारे चीज़ें आपको करना पड़ता है, यहाँ से क्या है यहाँ एक टाइप से छोटी लिमिट से स्टार्ट करते हैं, अगर आप उसको पे करते रहते हो पे करते रहते हो तो आप लिमिट को बढ़ा सकते हो। और इंस्टेंट है, सब कुछ इंस्टेंट है, डिजिटल ही है। तो देखिए, और बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर की बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर हमने बात की, ये सब चीज़ें सर्विस देते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, अकाउंट्स को आप डिफरेंट बैंक्स को आपस में लिंक कर सकते हो। जैसे जुपिटर है इंडिया में, वो इसका ऐसे प्रोसेस करता है। और अगर हम बिजनेस टू बिजनेस बात करें तो आप सारे जितने आपके अकाउंट्स बैंक हैं वो भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। आपके क्रेडिट मैनेज क्रेडिट जो फैसिलिटी होगी वो आप यूज अच्छे से कर सकते हो। उसमें आपके मैनेजर जो एक्सपेंसेज हैं वो सारा एक जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो मैनेज किया जा रहा है। तो ये सब फीचर बाकी बहुत अच्छे हैं फीचर, जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो किसी आप सीईओ को पे करते हो वो सब आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी ये न्यू बैंक पे आने के बाद। द एक्सपेंशन ऑफ न्यू बैंक प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि 15 मिलियन कंज्यूमर्स हैं अभी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के, आउट ऑफ विच 50% कंज्यूमर एक्वायर्ड बाय न्यू बैंक्स। क्योंकि आप वॉलेट्स वगैरह देख रहे हैं ना, अब तो बहुत ज़्यादा वॉलेट के जो बैंक वॉलेट यूज कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से न्यू बैंक का ही एक टाइप है ये। द स्पीड ऑफ न्यू बैंक अडॉप्शन हैज इंटीग्रेटेड इन कॉर्पोरेट, क्योंकि ये इसका जो है कैपिटलिस्ट का वर्ल्ड में काफ़ी बड़े बड़े मतलब इसमें इन्वेस्टर्स हैं। और आरबीआई क्या है, आरबीआई ने देखिए एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि आरबीआई ने तो क्रिप्टो करेंसी पे बैन कर लगा दिया था, तो इस प्रकार से हो रहा है कि क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इनोवेशन है, इस पे भी क्या आरबीआई कुछ इस पे स्ट्रिक्ट करेगी या लिमिटेशन लगाएंगी। जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं ना हमें अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें ना, तो आरबीआई को मतलब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज है, जैसे चाइना ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है तो हमें इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर पूरे ग्लोबली यूज होता रहेगा ये सब टेक्नोलॉजीज तो हम तो पीछे हो जाएंगे और बाद में हमें यूज करना ही पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट था ऐसे 1990s में भी ऐसी बात है, अगर एग्जांपल लेकर समझे ना, उस टाइम जब इंटरनेट आया था ना तो इंडिया में कई सारे मतलब मिनिस्टर्स बोलते थे इंटरनेट को बैन कर देना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज है। आज उसी टाइप के अगर हम उस अगर थॉट्स रखते हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसी न्यू बैंक्स ज्यादा यूज नहीं करना है, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, इस चीज पे प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हमें आगे ग्लोबली हम कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ना 2018 में अगर इसकी बात करें ना तो 18.6 बिलियन है इसका नेटवर्थ पूरा इस न्यू बैंक का सेक्टर जो है, और अगर 2020 की जितना ग्रोथ दिखा रहा है एस्टिमेट एक्सपेंड, और 2026 में ना 46.5% ग्रोथ दिखा रहे हैं, 394.6 बिलियन 2026 तक है, ये जीवन मार्केट रिसर्च का डाटा है। तो आप समझ देख रहे हैं कितना फास्ट ग्रोथ है, 18.6 बिलियन में 2018 से 394.6 बिलियन 2026 में हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं न्यू बैंकिंग का कितना ज़्यादा ग्रोथ है। और यूएस यूके यूरोप में इनकम ज़्यादा यहाँ पे से स्टार्ट हो गए हैं, 2016 से यहाँ पे चल रहे हैं। चाइना प्रेडिक्ट द मोस्ट लिक्रेटिव कंट्री न्यू बैंक्स वाले 2025 तक, तो इंडिया को भी इसमें बहुत ज़्यादा आगे इस पे इनोवेशन पे इसको प्रमोट करना चाहिए। अब पैंडेमिक की वजह से अब लॉकडाउन ये सब चीज़ें होती हैं, बार बार होता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, तो न्यू बैंक उसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के सामने आ रहा है। अगर न्यू बैंक इंडिया की बात करें तो 100% डिजिटलाइज बैंक यहाँ पे नहीं हो सकते, जैसे हमने अभी पहले ही बात की ना आरबीआई, यहाँ पे अगर आपको कोई भी बैंक का लाइसेंस चाहिए, आरबीआई की रूल्स यही बोलते हैं, कोई भी बैंक अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपका एक फिजिकल ब्रांच होना चाहिए। तो इस यहाँ पे जो न्यू बैंक जो सर्विसेज दे रही है वो किसी ट्रेडिशनल बैंक से टाई अप करके फिर वो अपना पूरा सर्विसेज दे रही है। और अगर इंडिया में बात करें अभी तक कौन कौन से न्यू बैंक्स ये सब चीज़ें वर्क कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे 811 बाय कोटैक महिंद्रा, योनो, एसबीआई, कोटैक कंपनी, कोटैक जो बैंक आप देखिए 811 आप ऐप डाउनलोड करके, योनो जो है आप यूज करते हैं एसबीआई का, रिजर्व पे एक्स, ओपन जो है बिजनेस टू बिजनेस के लिए है, न्यू एंड मोर। और अगर हम देखिए इसकी डिसएडवांटेज की कुछ बात करें कि हाँ न्यू बैंक का क्या डिसएडवांटेज है, देखिए कुछ डिसएडवांटेज यही है, ये वही लोग यूज कर सकते हैं जिनको मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी लिटरेसी हो, जो कंफर्ट हो टेक्नोलॉजी को यूज करने में, जिनको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम उसमें ऐप को यूज करना कुछ सारे, तो वो वही यूज कर सकते हैं इसको। और ये इसमें क्या होता है, न्यू बैंक लेस रेगुलेटेड होता है, आरबीआई सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे रेगुलेट करती है जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है ये लेस रेगुलेटेड होते हैं, तो इसमें इस चीज़ का कंसर्न होता है। और इसमें कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती, आपने देखा होगा इंडिया में कोई भी लोग ये सब हम भारतीय होते हैं कि ये ब्रांचेज में जाके अपना पैसा निकालना है सब चीज़ें, वो ट्रस्ट जो होता है ट्रस्ट डिफिसिट हो जाएगा अगर न्यू बैंक में, प्रॉब्लम ये आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि
लोगों को आदत सी है कि हमें फिजिकल ब्रांच में जाने की, तो वो इसमें यहाँ पे डिसएडवांटेज है इस चीज का। तो ये था हमारा डिस्कशन यूनो नियो बैंक के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। अभी जो भी डेवलपमेंट अगर इस पे आती हैं तो हम इस पे और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं इस पे तो आप चैनल पे जाके देखिए, अच्छे अच्छे वीडियोस हमने बना रखे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उंगलियों का सही इस्तेमाल करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।